भरतपुर के डीग से अब खबर। गदरवास में देर रात एक युवक की गोली लगने से यहां पर मौत हुई। अचानक गोली चलने से मृतक मुकुल की मौत हुई। मृतक का शव देर रात डीग के चिकित्सालय में पहुंचाया गया। खोह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अचानक गोली चलने से मृतक मुकुल की मौत हो गई। खोह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या ये पूरा मामला है? अचानक गोली चली, कुछ पता चला अभी किसने गोली चलाई? ये अभी तक पूरा मामला, ये रात को 12 बजे की घटना है। डीजे पे वहाँ विवाद हुआ था, डी का ही लड़का था जी। वहाँ वो डीजे बजाने गया था शादी में, तो वहाँ शादी में गन जो पिस्टल लेके घूम रहा था, उसमें अचानक गोली मार दी, जिससे वो मौत हो गई उस लड़के की जी। लड़के का सबको मोर्चली में रखवा दिया गया है। खोताना क्षेत्र की घटना है जी। मुकेश, कोई जानकारी मिल पा रही है? किसी प्रकार की रंजिश थी और उसीलिए युवक पर गोली चलाई गई? किसी से दुश्मनी थी उसकी? नहीं, को बताया जा रहा कि कोई दुश्मनी नहीं थी, वो शादी में कोई कासूनी कुछ बात हो गई है। अभी जैसे पुलिस वहाँ जानकारी कर रही है, पुलिस गांव में तैनात है, आरोपी की तलाश भी कर रही है जिसने गोली चलाई है। पूरा मामला भी पता नहीं लग पा रहा है जी। मुकेश, और कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, इस तरीके से गोली लगना और गोली चलाना किसी के ऊपर, फिलहाल क्या संज्ञान लिया गया है? जो युवक था उसे गिरफ्तार किया गया है या फिर नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, पुलिस तलाश कर रही है वहां पर, गांव में पुलिस अभी तैनात है जी। बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका।